नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती हैं। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे कहा कि सर मैंने उसको पैसा दे दिया है, क्योंकि मुझे उसने इतना मजबूर कर दिया, इतना डरा दिया मुझे कि मैं मजबूर हो गया पैसा देने के लिए उसको। तो मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए सर। तो अब वो जो मेरी वीडियो है, क्या वो अपलोड करेगा या नहीं करेगा, यानी कि कहीं पर वायरल करेगा या नहीं करेगा? तो उसी के लिए, उसी चर्चे पर, उसी सवाल पर हम बात करते हैं और हम आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब, ताकि आप सब लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें, जानकार हो सकें। तो बात करते हैं इसी में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ों से, जो बहुत बड़ी समस्या है उससे जागरूक करने के लिए वीडियोस आती रहती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका भी कर्तव्य बनता है। और अभी फ़िलहाल मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो है जिस पर मैंने बताया आपको कि जो ब्लैक मेलिंग है उस पर जो सरकार है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और अभी जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसमें एक रिट फाइल हुई है, जनहित याचिका दायर हुई है ब्लैकमेलिंग के खिलाफ। जो ब्लैकमेलिंग है उसी पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं और इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ब्लैकमेल बना ही, मतलब उसका शिकार बना ही लेते हैं। तो इसी के संबंध में एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति, मतलब किसी के साथ ब्लैकमेलिंग हो जाती है या उसके साथ उसका वीडियो बन जाता है, तो वो पैसा दे के ना दे, अगर दिया होता है तो किस तरीके से, मतलब वो क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये हैदराबाद के हैं, इन्होंने हमें बताया कि मेरे पास एक वीडियो कॉल आया, यानी कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मेरे वीडियो कॉल आया, और मैं हालांकि उस समय पर सुबह का समय था और ऑफिस जा रहा था मैं, तो उससे पहले मतलब मैं तौलिया टॉवल बांधा हुआ था, तो मेरे पास कई बार उसने मुझे फ़ोन किया, और उस फ़ोन के जब आने पर लगातार मैं देखा तो मुझे लगा कि पता ना कोई मेरा जागरूक जानकारी हो सकता है। तो मैंने पहली बार, दो बार, तीन बार उठाया नहीं, लेकिन लगातार जब उसका कॉल आता गया तो परेशान आदमी होगा तो फिर उसको रिसीव कर ही लेते हैं। तो मैंने जब उसको रिसीव किया तो उस पर वो एक वीडियो चल रहा था, लड़की मतलब उसको वस्त्र उतार रही थी, कपड़े उतार रही थी। तो उसी दौरान पर मैंने उसको देखा, मतलब 5-10 सेकंड मैंने उसको देखा, और देखने के बाद फिर मैंने जब कोई आवाज़, मैं हलो हलो कर रहा था, कोई उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि वो म्यूट चल रहा था, वो सामने लिखा हुआ आ रहा था म्यूट, और उसके बाद फिर मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर मेरे पास एकदम से जल्दी से मेरा मैसेज आया कि आपसे मैं मतलब वीडियो कॉल करके मैं आपसे कुछ चैट करना चाहती हूँ। और उस समय मतलब मेरे ऊपर जो पार्ट था वो न्यूट था, मतलब मैं नहाने के लिए जा रहा था, तो मैं नीचे टॉल बांध रखा था और ऊपर का हिस्सा ऐसे था, तो मैंने ऐसे ही इसी तरीके से उठा लिया उसको, और अचानक से मुझे मालूम भी नहीं था ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप भी, मतलब मैं अपना आपको प्राइवेट पार्ट शो करना चाहती हूँ, तो आप भी मुझे शो करीजिए। तो इस तरह की चीज़ें उसने मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा भाई तुम हो कौन, एकदम से क्या करना चाहते हो। उसने कई बार उसने कहा नहीं प्लीज़ करिए, मैं आपके साथ कुछ रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें उसने करी। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं मतलब हिट हो जाती है माइंड में कि एकदम से कोई भी लड़की क्या इस तरीके से करना चाहेगी। तो हालांकि वो समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ उसके बाद कोई भी रिएक्शन उस पर नहीं किया। उसने लगातार कई बार उसको कॉल किया, उनको कॉल किया कि ये रिसीव करें, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद रिसीव ही नहीं किया। लेकिन उसी के बाद जो 30-15 सेकंड का लगभग जो वीडियो बन गया था, उसी वीडियो को उन्होंने उसके व्हाट्सएप पर, जब थक हार गए कि अब ये बंदा जो है वो हमारी झांसे में नहीं आएगा, तो वही वीडियो जो अभी मतलब 15 सेकंड के लगभग बन गई थी, उसी वीडियो को उन्होंने एडिट करके और उन्हीं के पास में डाल दिया। मतलब उसमें जो बॉडी पार्ट जो था ऊपर का वो उनका था, फेस जो था उनका था, और नीचे का बॉडी पार्ट जो प्राइवेट पार्ट था वो किसी और का उसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया वीडियो में, और बाद में फिर उसी वीडियो को उन्हीं के पास मतलब उसको व्हाट्सअप कर दिया। और व्हाट्सअप करने के बाद फिर वो धमकाने लगे कि आपको पुलिस पर पकड़ लेगी, मैं आपको मुकदम दर्ज करा रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारे कॉल्स उनको आने लगे, जो कि जब इंसान परेशान हो जाता है तो देखता है कि वो बाद में कहते हैं पैसा भेजो, आपके 21,000 रुपये इसमें लगेंगे अगर आप डिलीट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर बता रहे थे कि मेरे पास CBI क्राइम ब्रांच से फ़ोन आ गया फिर अगले दिन,
और फिर मेरे पास यूट्यूब मैनेजर से फ़ोन आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि आपकी सर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हो रही है, अगर आप इसको चाहते हैं डिलीट करवा तो आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से आप बात कर लीजिए। तो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे नंबर दिया और फिर मैं नंबर लिया और नंबर लेने के बाद उसने मुझे 15,000 रुपये की डिमांड करी। मतलब मैंने उसको दोबारा कॉल किया तो वो कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो जो है वो चल रही है यहाँ पर, और अगर आप नहीं करवाएंगे हटवाएंगे इसको तो आपकी फाइल बन जाएगी और आपका केस दर्ज हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा घबरा गया क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था इतना, मुझे मतलब मेंटली उसने डिसऑर्डर कर दिया था, डिसऑर्डर कह सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, टॉर्चर कह सकते हैं, क्योंकि इंसान ऐसे समय पर कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी दौरान पर उसने जब मुझसे मांगे 15,000 रुपये तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और तो फिर वो कह रहा कितना दे सकते हो आप, चलिए कम कर दीजिए, मैं आपको कम करता हूँ, आप मुझसे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं गरीब हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम गरीब हो तो आप कम कर दीजिए। तो फिर इस चक्कर में मैं चलते मैंने 5,000 रुपये उसको डाल दिए, दे दिए उसको, और 5,000 रुपये देने के बाद फिर उसने उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ती गई। वो कह रहा कि जो आपका पैसा है, ये जो वीडियो है आपकी, अभी अटक गई है, अभी हमारे पास से नहीं है, अब मैनेजर साहब उसको ख़त्म करेंगे, तो मैनेजर साहब को और चाहिए पैसा। तो ऐसे लगातार उनकी डिमांड बढ़ती गई, और फिर मैंने उसको मना कर दिया बिल्कुल भी कि मैं मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने सर जो प्रॉब्लम थी तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, और यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे आपकी वीडियो मिली, और मैंने आपकी वीडियो देखी और बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो। तो मैंने उसके बाद कम से कम 5-6 आपकी वीडियोस देखी, और देखने के बाद मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं आप सब सर आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे बताएं सॉल्यूशन किस तरीके से इस चीज़ से निकलना है। तो हमने उनको गाइड किया, उनको एडवाइस किया, बहुत सारी बातें उनको बताई। उसके दौरान में उन्होंने जो सवाल पूछा मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा सर मैंने 5,000 रुपये दे दिए हैं तो क्या मेरी वीडियो जो है वो अब अपलोड होगी, अब वायरल होगी या नहीं होगी। तो उस समय पर देखिए अब एक कॉमन सी बात है कि ब्लैक मिलर ने आपको झांसे में लेकर आपको किसी बात से लेकर या लगातार आपको कॉल करके किसी के साथ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसने आपका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद आपको उस चीज़ के बाद उसको आपको ब्लैकमेल किया, आपसे पैसा मांग गया, यानी कि आपसे लगातार वो धोखा आपके साथ करता आ रहा है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो जो कह रहा है, मतलब कि पैसा लेने के बाद अगर आपका वीडियो डिलीट कर देगा वो, तो ये आपकी सरासर गलती एक और करने जा रहे हैं, यानी कि आप उसकी बातों में आकर और पैसा देना चाह रहे हैं। और पैसा देने का मतलब यही है कि आपका वीडियो कहीं से कहीं तक नहीं डिलीट करने वाला है वो, और आपको लगातार उसके चलते हुए आपसे पैसे की डिमांड करता जाएगा, और आप उस चीज़ से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो पैसा अगर देना ही सॉल्यूशन होता तो वो इतना फंसाते क्यों आपको। और पैसा देने का मतलब ये नहीं कि आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये लगातार उस चीज़ का झांसा देते 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 आपको आपसे पैसा ऐंठते जाएंगे, लेकिन आपका जो वीडियो है वो कहीं पर भी किसी प्रकार से डिलीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप सतर्क रहें, पैसा बिल्कुल भी भूल कर ना दें। आप ये ना सोचें कि मैंने पैसा दे दिया तो अब मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा या फिर डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप। उसे जो करना होगा वो करेगा, डिलीट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, अपलोड करेगा तो करेगा, वायरल कहीं पर करेगा, डालेगा कहीं पर किसी भी चैनल पर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालेगा, यानी कि आप उस चीज़ से, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी दूसरे के हाथ में हैं। अब आपका मतलब आप ये सोचें कि मेरा सब कुछ हो जाएगा तो आप गलत सोचते हैं, और उसके चलते हुए आप पैसा बिल्कुल भी ना दें, मैं तो ये कहता हूँ आपसे। क्योंकि पैसा देंगे तो गलती आपकी है, एक गलती आप कर चुके हैं वीडियो बनवाकर, दूसरी गलती कर चुके हैं आप पैसा देकर, तो और गलतियाँ गलती पर गलती ना करें, इसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल आपका मन है, आपकी जो इच्छा करें वो करें, लेकिन मेरा यही है आपकी एडवाइस है आपके लिए कि आप किसी प्रकार से पैसा ना दें। आपके साथ में पहली वीडियो बना ली गई है, उसके बाद ठगी की जाती है, तो उसकी शिकार आप ना बने। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, और अगर आप किसी प्रकार की ऐसे समय पर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। और भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई कोर्ट कचहरी की या कोई किसी और प्रकार की आपके पास केस चल रहा है, कोई मैटर है, तो आप उससे भी संबंधित हमारी जानकारी ले सकते हैं। कोई मैटरी मूल्य डिस्प्यूट है वो भी आप हमारी हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।